हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। तो ये है मेरा अल्मांडा का येलो कलर वाला प्लांट जो इस पाइप के ऊपर चढ़ गया है, और दूसरी साइड भी रखा हुआ है जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये भी इस स्टिक की मदद से काफ़ी ऊंचाई तक चला गया है। कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं यहाँ पर एक डोर जैसा लुक देना चाहती हूँ, ताकि जब मैं गार्डन में आऊँ तो एक एंट्रेंस जैसा दिखे मुझे और गार्डन का लुक भी बहुत अच्छा हो जाए। तो इस तरह से मैं डोर बनाना चाह रही हूँ, राउंड ऊपर से उसका लुक देना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं ये पाइप ले रही हूँ, जो मकान बनाते समय पानी या बिजली वाला जो पाइप होता है, कुछ ना कुछ वेस्ट इस तरह से रह जाता है जो सिर्फ वेस्ट हो रहा होता है। तो उसे मैं यहाँ इस हाइट तक कट करूँगी। उसके लिए मैंने कट करने के बाद ये मैंने इसमें होल्स करवा लिए हैं, और होल्स मैंने ऐसे करे हैं जो आर पार है, दोनों साइड तक ये होल गया है। क्योंकि इसी होल की मदद से मैं जो बनाना चाह रही हूँ वो आपको नज़र आएगा। तो उसके लिए देखिए, ये बहुत पुराना सरिया बांधने वाला जो वायर होता है ना, बहुत इजीली जो इस तरह से राउंड हो जाता है, झुक जाता है, वो वाला वायर लिया है मैंने, और इसे एक सिरे पर बांध दिया है और दूसरे सिरे पे इस होल में से निकालते हुए इसे घुमाऊंगी। मैं यहाँ से एक निश्चित दूरी ले ली है, एक ब्लांट की दूरी ली है मैंने, और इसी के ऊपर मैं प्लांट को ऊंचाई तक ले जाऊंगी। तो यहाँ पर एक तरह से मैं इसी वायर से इसे बांध ले रही हूँ, जैसे समझिए, ताकि ये यहाँ से निकले नहीं, खुले नहीं। और फिर मैं इस वाले होल से निकालूंगी, उसके बाद मैं इस वाले होल से निकालूंगी। तो कुछ इस तरह का लुक क्रिएट होगा, जैसे क्रिस क्रॉस होता है ना, कुछ ऐसा लुक क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, मैं वही काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इस होल से निकाल रही हूँ, और एकदम जैसे हम धागे से काम करते हैं ना, कुछ उसी तरह से ये बनता चला जा रहा है। इजी हो रहा है इस वायर से काम करने में, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। और बहुत ही ईजिली मैंने इस तरह से एक क्रिस क्रॉस सा डिज़ाइन बनाते हुए मैंने इस पाइप के ऊपर इस वायर को बांधा। थोड़ा सा बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है बट कोई बात नहीं। इस तरह से मैंने एक थोड़ी सी ऊंचाई पे इसे रख लिया है ताकि उस बैलेंस को सही किया जाए। और देखिए, इसको अभी मैंने थोड़ा सा ही बनाया है और देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। तो इसे कंप्लीट करते हुए यहाँ तक पहुँची और इसे मैंने थोड़ा सा उसे बांध दिया है वहाँ पर, और देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक क्रिएट हुआ है। दोनों पाइप के बीच में कुछ इस तरह से क्रिस क्रॉस जैसा डिज़ाइन बन रहा है। आपको दिखाने के लिए मैं इसे उठाकर दिखा रही हूँ, और ये हो गया है तैयार। और बस यहाँ पर अब मुझे और कुछ नहीं लगाना है इसमें, और सिर्फ मैं यहाँ से इसे बांध लूँगी जो हमारा नीचे वाला सिरा है। तो इस तरह से मैंने जो हमारी कैंची है जिसे मैं गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ, उसी से मैंने कट कर लिया, और बहुत ईजिली कट हो गया ये। और इसे कट करने के बाद उसके मुंह को मैंने अंदर की साइड दबा दिया है, ताकि बाय चांस कभी काम करते समय हाथ में लगे नहीं। और ये हो गया एकदम फुल्ली तैयार। तो चलिए अब इसे हम लगाते हैं। कहाँ पर लगाएंगे? तो इस तरह से हम इसे लगाएंगे इस पॉट में। तो अभी मैं आपको इस साइड वाला दिखा रही हूँ, बट इसे लगाऊंगी मैं दूसरी साइड। उसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो वहाँ मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए इस साइड मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से लुक क्रिएट होगा। तो देखिए, मैं दूसरी साइड पे आ जाती हूँ जहाँ अभी मुझे लगाना है इसे। तो यहाँ पर जो पहले से स्टिक थी उस पे से मैंने प्लांट को उतार के और स्टिक को हटा दिया है, और स्टिक हटाने के बाद अब मैं अपना ये जादू का पिटारा, अपना जुगाड़ जो है, जो भी कुछ आप कह सकते हैं इसे, ये मैं यहाँ पर ला के और इसमें मैंने मिट्टी में पॉट में इंसर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से इंसर्ट कर रही हूँ, ताकि हवा से या प्लांट के वज़न से ये नीचे की तरफ गिर ना जाए, झुक ना जाए, एक सपोर्ट अच्छा बना रहे। और उसके बाद मैंने प्लांट को ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखिए, इस तरह से प्लांट को धीरे 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 मैं ऊपर चढ़ाती चली जा रही हूँ, और प्लांट नीचे ना गिर जाए, क्योंकि पहले तो वो स्टिक पे अच्छे से बंधा हुआ था, बट अब वो मैंने उसे उतार दिया है तो वो गिरने का चांस है। तो इसलिए मैं इसे कहीं कहीं से बांध दे रही हूँ, उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा जिससे हवा चलने पर भी वो नीचे की साइड गिरेगा नहीं। तो हो गया हमारा ये
फेंसिंग वाला काम कंप्लीट। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी तो एक साइड ही तैयार हुआ है। दूसरी साइड देखिए ये वायर के ऊपर कितने टाइटली बंध चुका है, तो चलिए उसे भी मैंने उतार लिया है। और उतारने के बाद अब मैंने यहाँ पर वही एक पाइप, और दूसरा कम पड़ गया था तो वो मैंने एक स्टिक और पाइप दोनों को जोड़कर बना लिया है। और ये हमारे नोन में ही आते हैं, फैमिली जैसे हैं, उनसे मैंने मदद ली और जो स्टिक थी ना उस स्टिक को तोड़ के और उसके पतले पतले से इस तरह से जैसे एक पतली सी वायर होती है उस तरीके से बनवाया मैंने, और उसी को यहाँ पर बांध रही हूँ जिससे कि यहाँ पर डोर का ऊपरी सिरा जो मैं गोल लुक देना चाह रही हूँ वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज मैं जुगाड़ से काम कर रही हूँ तो कुछ और मैं यहाँ पर नहीं लगा पा रही थी, तो सबसे इजी मेरे को यही दिखा और सबसे बेटर मेरे को अभी यही दिखा जिसमें पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है और मेरे पास था और उसे इंस्टेंट मैंने लगा दिया। उसी स्टिक में से ही पतला सा और पतला सा उसको स्टिक को कट कर लिया और उस स्टिक को यहाँ दूर पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसे वायर की मदद से बांध लिया। तो इसमें इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू इन्हें और इस मदद के लिए। तो इनकी मदद से मेरा जो ये ऊपर वाला ऊपरी फेंसिंग है जो डोर के ऊपर राउंड वाला फेंसिंग है वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो गया। अभी आप आगे देखेंगे कि ये कितना सुंदर बन गया है, कहीं से खुले नहीं इसलिए वो वायर के मुंह को बांध दे रहे हैं और साथ में हाथ में भी ना लगे ये भी ध्यान रखना है। तो बहुत ही सावधानी से उन्होंने काम तैयार कर दिया और देखिए अब काम तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का लुक दे रहा है। और यहाँ से मैं दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से वायर से, यहाँ पर मैंने प्लास्टिक वाला वायर यूज़ किया है इसको बांधने के लिए क्योंकि वो वाला वायर ख़त्म भी हो गया था, तो मैंने ये प्लास्टिक वाला वायर तैयार किया लिया है और उसके ऊपर भी मैं ये प्लांट को अच्छे से लगा दे रही हूँ। उतारना तो ईजी था थोड़ा, बट अब इनको चढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्लांट का एक भी सिरा जो है वो टूटे और प्लांट को बढ़ने में कोई रुकावट हो, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से ये काम किया मैंने, बहुत ही ध्यान से करना हुआ और इसमें मैं सक्सेसफुल भी रही, बहुत अच्छे से मैंने ये काम कर लिया। जब लास्ट में काम ख़त्म हुआ तो बहुत खुशी मिली। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ भी वायर से मैंने इसे बांध दिया है सब जगह जगह पे ताकि ये गिरे नहीं और सपोर्ट इसको अच्छा मिला रहे। तो इस तरह से इसे ऊपर चढ़ाया, ऊपर चढ़ाने के बाद बहुत अच्छा सा लुक इसमें क्रिएट हो गया है। आप देख रहे हैं मैंने किसी भी सिरे को टूटने नहीं दिया है, अभी तक एक भी जो बेल का जो सिरा है ना वो कहीं से भी टूटा नहीं। इस बात की भी बहुत खुशी रही मुझे कि काम करते हुए प्लांट को कोई डैमेज नहीं हुआ, जैसा मैंने प्लांट उतारा था ठीक वैसा ही प्लांट मैंने ऊपर की साइड अपलिफ्ट कर दिया और देखिए अब जो है इसका लुक कुछ इस तरह से निकल कर आया है। आई होप ये फेंसिंग का आइडिया आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। आप भी इस तरह के जुगाड़ से अपने गार्डन में इस तरह के सुंदर सुंदर DIY कर सकते हैं, फेंसिंग बना सकते हैं बिना खर्चे के। मैंने तो बहुत बोल लिया, अब आपके लाइक्स बताएंगे कि क्या मेरा ये काम आपको पसंद आया। जहाँ तक मुझे लगता है ये वेस्ट से बना हुआ फेंसिंग आइडिया आपको बहुत पसंद आएगा। अब जैसे ही इस गार्डन के अंदर आप एंटर करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होने वाला है जैसे कि आप नेचर की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ पर ग्रीनरी है, खूबसूरती है, फ्लावर्स है, प्लांट्स हैं, सुकून है। तो इस तरह के फेंसिंग आइडिया को आप भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने गार्डन में एक छोटी सी जगह देखें और वहाँ पर इस आइडिया को क्रिएट करें। आगे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल नोटिफिकेशन ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।